बहुत ही जल्द खुलेगा अक्षरा की बेटी अभिरा शर्मा का राज सबके सामने, सब होंगे हैरान। टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले अपकमिंग एपिसोड काफी धमाकेदार और ट्विस्ट भरे होने वाले हैं, जहां पर एक तरफ अभिरा दर बदर भटक रही है और ठोकर खा रही है, तो उसकी जॉब छीनने के पीछे संजय बंसल का हाथ है। उसे अच्छे से पता है, इसलिए वह चाहती है कि उसे कोई नई जॉब करनी पड़ेगी अगर उसे अपने लाइफ में कुछ करना है तो। और वह ना चाहते हुए वेडिंग प्लानर बन जाने वाली है, जहाँ पर उसे पहली ही बार में रूही और अरमान की शादी कराने का दिया जाने वाला है ऑफर। और जब उसे पता चलेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा, लेकिन यहाँ पर बुरा लगे न लगे उसे पैसे की ज़रूरत है और उसको अपनी जॉब भी करनी है, तो उसे आगे बढ़ना ही होगा और यह सब देखना ही पड़ेगा पत्थर रख के दिल पर। अरमान और रूही को एक साथ देख करके उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है, फिर भी वह अपना काम बहुत ही बखूबी निभाने वाली है। और दादी साहब को जब पता चलने वाला है कि वेडिंग प्लानर कोई और नहीं अक्षरा शर्मा है, तो वह काफी ज्यादा खुश होगी और वह अभिरा को जलाने का कोई मौका नहीं छोड़ने वाली है। वहीं दूसरी तरफ रूही का भी यही हाल होने वाला है, वह दिखावा करते हुए नजर आएगी और अभिरा के सामने अरमान से काफी ज्यादा चिपकने वाली है और यह जताने वाली है कि दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। अभिरा को भी यह देख करके बुरा लगने वाला है। वहीं पर मनीष गोइंगा एक तरफ जहाँ बहुत ही ज्यादा परेशान है, क्योंकि उनके पास अभी इतने पैसे नहीं है कि वह रूही की शादी के लिए कुछ कर सकें, और वह पैसे नहीं इकट्ठा कर पाएंगे तो रूही और अरमान की शादी में अड़चने भी आएगी। हालांकि यहाँ पर वह कोई ना कोई जुगाड़ जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले ही अभिरा का सच उनके सामने आने वाला है कि वह कोई और नहीं बल्कि उनकी ही पोती अक्षरा शर्मा की बेटी है, और उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वह काफी ज्यादा हैरान हो जाएंगे, अभिरा को गले से लगाएंगे और अभिरा को बताने वाले हैं कि वह उसके पर नाना है। जिस तरह से शुरुआत में ही देख करके उसको अपनेपन का एहसास होता था कि वह कोई और नहीं, कोई पराई नहीं, उनका अपना ही खून है, और यही बात सच होने वाली है। अभिरा अपने परनानू के साथ बहुत ही ज्यादा खुश होने वाली, उसे तो उसका परिवार मिल जाने वाला है। वह कभी सपने में नहीं सोच सकती थी कि उदयपुर में उसका रिश्ता है किसी से। अब यहाँ पर जब रिश्ता जुड़ ही जाने वाला है, यानी कि जो रिश्ते खोए हुए थे वो आपस में मिल ही जाने वाले हैं, तो मनीष गोइंगा अब अभिरा के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। और साथ ही साथ अभिरा के बारे में जब सबको पता चलेगा कि यह मनीष गोइंगा की नातिन है, तो उनके भी होश उड़ जाएंगे और कुछ लोग तो काफी ज्यादा शौक होंगे। और दादी सा जो है वह काफी ज्यादा हैरान होने वाली है, क्योंकि आज तक उसने अक्षरा और अभिरा दोनों की जमकर बुराई की है और कहा है कि इन दोनों को कोई भी तमीज नहीं है कुछ भी करने की, क्योंकि अक्षरा ने अपनी बेटी को कुछ सिखाया ही नहीं संस्कार क्या होता है और अच्छी बातें क्या होती है। इसीलिए अभिरा जो है हमेशा लड़ती थी दादी सा कि वह उनकी माँ के बारे में कुछ ना बोले, लेकिन यहाँ पर दादी सा की अब बोलती बंद होते हुए नजर आएगी, क्योंकि अभिरा भी तो बहुत ही अच्छे घर से ताल्लुक रखती है जैसे कि रूही। अब यहाँ पर देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि पर नानू रूही और अरमान की शादी होने देते हैं या फिर यहाँ पर शादी नहीं होगी। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।